वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल एट योर होम्स। ओके बच्चों, नाउ रिसाइट विद मी एवरीवन, रब्बी सिडनी इल्मा। दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक, सो टेक आउट योर बुक्स एंड लेट्स ओपन पेज नंबर 41 विद मी। पेज नंबर 41, कॉलम्स। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है? राइट फोर नंबर सेंटेंसेस फॉर दीज नंबर बोन्स। नंबर सेंटेंसेस बनाने हैं इन बोन्स से। पहले हमारे पास एक एक बॉन्ड्स थी नंबर बॉन्ड्स की, जो हमें पूरे पेज पे करनी थी। अब ये अलग अलग दी हुई है। इधर कितने नंबर बॉन्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4। हमें इधर नंबर सेंटेंसेस इनके बनाने, ठीक है? 5 + 4 = 9। अब हमें इधर बनाना है, ठीक है? पहले है 5, फिर है 4 इज इक्वल्स टू 9। कैसे 9 आएगा? 5, 1, 2, 3, 4, 5। 4 + करें 1, 2, 3, 4। काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या आंसर आया? 9। ओके बच्चों, अगर यही हम पहले 4 लिखेंगे और बाद में 5 लिखेंगे तो भी हमारे पास आंसर 9 ही आएगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4, इधर लिखेंगे 5, तो आंसर क्या आएगा? 9 ही आएगा, क्योंकि अगर हम पहले 4 काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, देन हम 5 काउंट करेंगे, 4 के आगे 5, 6, 7, 8, 9, तो आंसर क्या आना है? 9 ही आएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन क्या करना है? 9 - 5 = 9 में से 5 माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो हमें इधर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से हमें 5 कट कर देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। क्या आंसर आया? 1, 2, 3, 4। इधर हम लिखेंगे 4। ओके, अब इधर देखिए, अगर हम लिखेंगे 9 - 4 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 9 ही। इसमें से हमने कितने कट करे थे? पहले 4 कट करे थे, अब हमें 9 में से कितने कट, सॉरी, पहले हमने 5 कट करे थे, अब हमें 4 कट करने हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4 कट कर दें, कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, हमारे पास सारे नंबर बोन्स आ गए थे। 5 ये आ गया, 4 ये आ गया, और 9 यहाँ पर आ गया। हमें ये काम इस तरीके से करना है। 6 + 6 और 2 हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8, ठीक है? अब हमें इधर लिखना है 6, इधर लिखना है 2 = 8। अगर हम पहले 2 लिखेंगे बाद में 6 लिखेंगे तो भी आंसर 8 ही आ रहे हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 प्लस कर दिए तो ये 8 हो गया। अगर हम पहले 2 प्लस करेंगे 1, 2, फिर इसके आगे 6 करेंगे तो भी 8 आंसर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह हमारा 8 आंसर आ गया, ठीक है? अब हमें करना है माइनस। 8 - 6 करेंगे, फिर 8 - 2 करेंगे, ठीक है? 8 - 6 हम कर देंगे और इधर 8 - 2 करेंगे, ठीक है? तो अब आंसर क्या आएगा हमें वो पता करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 - 6 हमने 6 कट कर देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आंसर आएगा? 2। इधर हम 8 - 2 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। इधर देखिए, 8 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, एंड 6 यहाँ पर आ गया। यह हमारा बॉन्ड हो गया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? 5 + 2 = 7। इधर हम लिखेंगे 5, इधर हम लिखेंगे 2। 5 + 2 = 5, 6, 7। 7 आ गया। इधर अगर हम पहले 2 लिखेंगे बाद में 5 तो भी आंसर आएगा 7, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हमने इधर लिख दिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? 7 - 5 करना है और फिर 7 - 2 करना है। 7 - 5, 7 - 2। 7 पहले हम स्टिक्स डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से हमें माइनस कर देना है 5। 1, 2, 3, 4, 5, क्या आंसर आया? 1 and 2, 2। इधर 7 में से हमें 2 माइनस करना है, ठीक है?
सेवन हमने सिक्स डाल दिया, टू माइनस कर दिया, क्या आंसर आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव। अब देखिए सेवन इधर आ गया, टू इधर आ गया और फाइव इधर आ गया। ओके ये हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड वाला। अब हमें क्या करना है, डी वाला, टू प्लस फोर इज इक्वल्स टू सिक्स। अब हमें इनके बोन्स बनाना है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे टू, ओके टू फोर और सिक्स। पहले हम लिखेंगे फोर क्योंकि फोर बिगर नंबर है, फिर हम लिखेंगे टू, फिर इधर लिखेंगे टू प्लस फोर, तो क्या होगा, काम करेंगे तो सिक्स आएगा, फोर फाइव सिक्स। टू टू में अगर हम फोर ऐड कर देंगे, टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आंसर आएगा सिक्स। इन्हें माइनस कैसे करेंगे, सिक्स माइनस फोर और सिक्स माइनस टू, ठीक है। सिक्स में से टू अगर हम माइनस करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू माइनस कर दिए तो क्या आंसर आएगा, वन टू थ्री फोर, फोर। और इधर अगर हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में से फोर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन एंड टू। ओके बच्चों ये काम आपको इस तरीके से करना है, बिल्कुल समझ के, बिल्कुल साफ सफाई से, ठीक है, बिल्कुल समझना है ये काम कि टीचर ने कैसे करवाया है, कैसे बोन्स बनाए हैं, फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। और जो आपको समझ ना आए आप टीचर से पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़।